बोले स्वामी जी आप बोलते हो कि भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, सृष्टि चली तभी से ही जगत के मानवों को ज्ञान देने का अगर कोई राष्ट्र है, दिव्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान और आत्मा के उद्धार का ज्ञान और मस्तक के विकास का ज्ञान, बुद्धि के विकास का ज्ञान वो भारत से चला है, तो फिर आपके भारत के साधु संत अमेरिका में पहले क्यों नहीं आए, 1000 वर्ष पहले क्यों नहीं आए, 200 वर्ष 500 वर्ष पहले क्यों नहीं आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कैसे आए, उस समय तुम्हारे पूर्वज कपड़ा नहीं पहनना जानते थे और जंगलों में रहते थे, जंगली दिशा थी, उनकी सभ्यता ऐसी थी कि जैसे पशु पैदा होते और जीते जंगलों में ऐसे जीते थे। ये वैदिक ज्ञान तो मनुष्यों के लिए है, ध्यान और समाधि, ऐहिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या तो सज्जन लोगों के लिए है। तुम्हारे पूर्वज तो जंगली थे, उस समय कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, तो कैसे आए हमारे ऋषि मुनि। अब तुम कपड़ा पहनने के लायक हुए हो, ऐहिक विद्या में थोड़े सीख कर समझ कर कुछ योग्य बने हो, तो हमको ईश्वर ने भेजा है और हम तुम्हें योग विद्या और आत्म विद्या से संपन्न करना चाहते हैं। और स्वामी राम तीर्थ भी आ गए, बांट गए, उसके पहले भी कोई साधु संतों की कृपा तुमको मिल रही है, तो योग विद्या में बड़ी शक्ति है। सुबह नींद में से उठो तो मैं स्कूली विद्या में सफल होऊंगा और योग विद्या का भी आश्रय लूंगा। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, मुझे योग विद्या देने वाले योगी गुरु की सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिले, मुझे योग विद्या में आगे बढ़ाने वाला सत्संग मिले, भगवान मैं योग्य बन जाऊं और तेरे साथ मेरा मन का योग हो जाए। जब भगवान आत्मक होकर हृदय में बैठे और अपने मन का योग विद्या के द्वारा भगवान के साथ योग हो जाए, तो तुमको फिर कमी क्या रहेगी। नानक जी को क्या कमी रही, कबीर जी को क्या कमी रही, विवेकानंद को क्या कमी रही, राम तीर्थ को क्या कमी रही। तो बच्चे ऐसे बन के दिखाओ कि तुम्हारे माता पिता और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी नाम रोशन हो जाए और तुम्हारा काम बन जाए, संसार में रहते हुए भी संसार के दुख से तुम दबो नहीं और सुख में तुम अभिमान न करो, सुख आए तो दूसरों को बांटकर उनको उन्नत करो और दुख आए तो उसका क्या कारण है, और दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा अमर है, मैं दुख को कुचल दूंगा, बीमारी को मार भगाऊंगा। जैसे रामानुजम को फ्रैक्चर हुआ, फिर भी रामानुजम कहता कि फ्रैक्चर पैर में हुआ है, मेरा आत्मा अमर है, शरीर के पहले मैं था, बाल्यकाल में मैं था, जुआनी में मैं हूँ और बुढ़ापे में मैं रहूँगा, शरीर मर जाएगा फिर भी मैं मरने वाला नहीं, मैं आत्मा परमात्मा का हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामानुजम की आत्मविद्या, रामानुजम की योग विद्या और रामानुजम की गणित विद्या देकर यूरोप के लोग तो दंग रह गए, लेकिन अब इतिहास उनकी सराहना कर रहा है। बीरबल का नाम सुना है तुमने, बीरबल का? बीरबल 12 साल के थे, उनकी मां ने उनको सारस्वती मंत्र दिलाया, तो गुरु योगी थे तो सारस्वती मंत्र के साथ गुरु ने योग सिखा दिया, प्राणायाम सिखा दिया, और वो बीरबल करते थे। आगरे का नाम सुना है, आगरा? आगरा में बीरबल के पान का गल्ला था, वो मन में तो सारस्वती मंत्र जपता जाए और सोपाड़ी काटता जाए। इतने में एक लंबी दाढ़ी वाला खोजा आया, बीरबल को कहता है कि भाई तेरे दुकान पर पाव भर चूना मिल जाएगा। बीरबल यहां तिलक करता था जो तुमको सिखाया, सारस्वती मंत्र जपता था, जरा सा ध्यान किया तो योग विद्या से वो जान गया। अरे बोले खोजा, तुमने कल पान लगाकर अकबर को दिया,
तो लापरवाही से चूना ज्यादा डाल दिया तो अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। आज पाव भर चूना मंगवाकर अकबर तुमको वहां सिपाहियों के सामने नंगी तलवार नंगे भाले दिखाकर खिलाएगा और खोजा तेरे को दंड देगा। खोजा घबराया, इलबिला तोबा तोबा, क्या करिए, मर जाइए, भाग जाइए। 12 साल के बीरबल ने सारस्वत मंत्र के प्रभाव से, प्राणायाम के प्रभाव से, गुरु के साथ मानसिक संबंध जोड़ने के प्रभाव से बीरबल ने 60 साल के खोजा को अक्कल दी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 12 साल का बीरबल तो बन गया गुरु और 60 साल का खोजा बन गया चेला। बोले भागने से काम नहीं चलेगा, पकड़ा जाएगा, अक्कल का विकास करो। खोजा घी में लाया हूं, पाव भर घी ले जा और पाव भर चूना ले जा। घी पीकर राज दरबार में चूना अकबर के सामने रखना। अकबर बोलेगा ना चीज कहीं के, लापरवाह टट्टू कमीने, लापरवाह इंसान तो दुश्मन से भी बदतर होता है, ऐसा अकबर तुझे सुनाएंगे। और फिर बोलेंगे हे सिपाही, ये पाव भर चूना इस कमीने को न खाए तो भाले भोंक कर खिलवाओ। खोजा को तो बीरबल ने अक्कल दे रखी थी, क्योंकि बीरबल ने गुरु से अक्कल ली थी, सारस्वत मंत्र लिया था और रोज ध्यान करता था, प्राणायाम करता था। लाखवां हिस्सा बुद्धि का विकसित हो उसको बुद्धिमान बोलते हैं, लेकिन बीरबल ऐसा पेट पालू बुद्धिमान नहीं था। बीरबल ने तो कई हिस्से विकसित कर रखे थे सारस्वत मंत्र के प्रभाव से। बीरबल कम बोलता था, सारगर्भित बोलता था, तुलसी के पत्ते खाता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, माता पिता को प्रणाम करता था। जो बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं वे हाथ ऊपर करो तो शाबाश है, जो नहीं करते आज के बाद माता पिता को प्रणाम करना बेटा, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। बीरबल ने जो ज्ञान दिया था खोजे को, खोजा तो जैसे मक्खन खाए ऐसा चूना खाने लग गया। अकबर ने देखा कि तो चकुर सकुर सकुर खा रहा है। अकबर ने बड़ी आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा जा कमीने, घर पर जाकर मरना। 2 दिन के बाद खोजा तो दाढ़ी को बराबर कंगी वंगी लगाकर लंबी दाढ़ी को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खिजमत में हाजिर। अबे तू जिंदा कैसे? खोजे ने फिर दाढ़ी को ठुमकी दी दाहें और बाहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जहां पना गुस्ताखी माफ। घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजे जिंदा रह जाता है। बीरबल जैसा गुरु मिल गया और खोजे जैसा चेला, चला चली का मेला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्बिल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बे मैं तुझे चूना खिलाऊंगा ये बीरबल जान गया, और चूने से घी से चूना मरता है, चूने से घी मरता है, ये दूसरे एक दूसरे के विरोधी और तेरे आंतों को कोई कुछ नहीं होगा ये सब बीरबल जान गया। मंत्री बड़ी इज्जत के साथ उस 12 वर्ष के बीरबल को पान के गले से अदब से लाया जाए। बच्चे सुन रहे हैं, आगरा में पान का गल्ला गरीब बीरबल चलाता है, लेकिन सारस्वत मंत्र, कम बोलने की आदत, गुरु को एक टक देखकर सुनने की आदत ने बीरबल को कितना महान बना दिया। जो बंदर छाप बच्चे हैं वो तो ड्राइवर होंगे, या तो कारकुन होंगे, या तो छोटी मोटी दुकान खोल के बुड्ढे होके मर जाएंगे। जब शिक्षक पढ़ाए तो एक टक देखना चाहिए, इधर उधर ये बंदर नहीं बनना चाहिए। और बंदरों के मार्क भी कम आते, जो बंदर छाप बच्चे होते ना वो उनके मार्क भी कम आते और नापास भी हो जाते। तुम्हारे में कोई बंदर छाप बनना चाहता है क्या? जो बंदर छाप बनना चाहता है वो खड़ा हो जाए। कोई नहीं हो रहा है खड़ा, ठीक है।
तो शिक्षक शिक्षिकाएं जब पढ़ाए तो एक टक देखने की आदत, सुबह भगवान के चित्र को एक टक देखने की आदत, और यहाँ पर रगड़ मार के गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र जपने की एक टक आदत। बीरबल आया, अकबर ने देखा कि ये बीरबल 12 साल का और इतना कदावर, इतना हमसम बॉडी, बीरबल क्या खाते हो? बोले मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। मतलब तुम कौन हो? बोले मैं अमर आत्मा हूँ और शरीर मेरा साधन है, इसको खिलाता हूँ, चबा चबा के खाना खाता हूँ और नाटा न रह जाऊं इसलिए पुलअप्स करता हूं, तो मेरी हाइट लंबी हो गई, और देसी गाय के दूध में एक दो काली मिर्च डाल के पीता हूं इसलिए हमसम भी हूं, लंबा भी हूं, और फिर भोजन के बाद कभी सेव या कभी केला खाता हूं इसलिए पुष्ट भी हूं। कहो राजन कैसे बुलाया? बोले गजब का लड़का, कहें इसे जवान कहें, गजब का आदमी है। बोले जहां पना अभी तो बच्चा हूं 12 साल का, गजब का आदमी कैसे? बोले बस बीरबल जादू कर दिया तुम्हारी बातचीत ने, बताओ वर्ष में महीने कितने होते हैं? बीरबल ने कहा 12। बोले एक महीना चट हो गया तो कितने बचे? बोले जहां पना पहले इन मंत्रियों से पूछ लो। मंत्रियों ने कहा 11, किसी ने कहा 6 और 5, किसी ने कहा 8 और 3। जब बीरबल का वार आया तो बीरबल कहता है जहां पना एक अगर व्यर्थ गया तो एक महीना भी नहीं बचा, कुछ भी ना बचा। बोले ये कैसे? बोले जहां पना जब पूछते हो तो रहस्य की बात है, वर्ष में 12 महीने होते, और सावन महीना अगर विफल हो गया, नहीं बरसा मेघ, तो किसान के लिए 12 महीना बेकार और प्रजा के लिए भी वर्ष भर बेकार हो जाएगा। शाबाश है, आफरीन है बीरबल। ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोता है लेकिन आंख खुली रखता है? बोले मछली। ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है बोलता नहीं, चलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, वैसे का वैसा रहता है, वो कौन है? बोले महाराज अंडा। बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे? बोले जहां पना क्यों नहीं। बीरबल 12 साल का सरस्वती मंत्र और गुरु के ज्ञान से स्वास्थ्य ऐसा बनाया कि मंत्री पद को शोभायमान किया भारत के 12 साल के बच्चे ने, और यहां 25 साल के, 20 साल के, 18 साल के सर्टिफिकेट लेके भटक रहे बेचारों को नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो अपना धंधा किए, तो बोले फेल हो गए, नहीं चलता। अरे तुम्हारे मस्तिष्क का लाखवां हिस्सा विकसित करो पूरा तो भी तुम बुद्धिमान बन जाते हो, अगर और थोड़ा सा विकसित करो तो तुम तो महान आत्मा बन सकते हो। क्या सर्टिफिकेट लेकर पेट पालू नौकर बनने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है क्या? सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, हमने सब कुछ फेंक दिया था नर्मदा किनारे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, और एक बार नहीं 3-3 बार ऐसा किया और खिलाने वाले ने खिलाया और अभी तक जिंदा हूं। ऐसी शक्ति तुम्हारी आत्मा की जागृत करो, काहे को डरना। हरिओम 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 हरिओम। ठहरो ठहरो, रुक जाओ। बुद्धिमान बच्चा वह है जब रोकना चाहे मन को, बुद्धिमान ड्राइवर वह है जब गाड़ी को रोकना चाहे गाड़ी रुक जाए, गाड़ी को मोड़ना चाहे तो मुड़ जाए। ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थी वो है जब चुप करना है तो चुप, जब बोलना है तब बोलना, रुकना है तो रुकना, हाथ उठाना है तो उठाना, फिर हाथ नीचे करना है तो करना। मूर्ख बच्चे तो यूं करके खड़े हो जाएंगे। अकल वाले बनोगे ना? मैं जो बोलता हूं पक्का करो। एक जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं।
जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, ऐसा नहीं जहाजों को डुबा दे, हिम्मत से जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले, तूफान से टक्कर ले, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए, चाहिए। कोई भी कठिनाई आ गई तुम समझो, परीक्षा के दिन में पेपर देख रहे हो और कठिन प्रश्न है तो पहले सरल प्रश्नों को टिक करते जाओ, फिर यहां तिलक की जगह पर सारस्वती मंत्र का जप करके सरल तो लिख लो, फिर जो कठिन कठिन लग रहे थे, कठिन बठिन कोई नहीं रहा, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए, कठिन मेरे लिए प्रश्न और कठिन। हरिओम हरिओम हरिओम। देखो आधी मिनट नहीं तो 5-10 सेकंड यहां ध्यान करो, फिर लिखो पेपर, कठिन कठिन का बाप सरल हो जाएगा और मार्क अच्छे आएंगे, क्योंकि बापू के सत्संगी हैं, बापू के विद्यार्थी हैं। लल्लू पंजू हो क्या? मुस्कुरा के गम का जहर बोलो तो, मुस्कुरा के गम का जहर बोलो, मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है, यह हकीकत है कि जहां में, जहां में उनको जीना आ गया, उनको जीना आ गया, जरा जरा बात में घबरा गए, जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा सा माने का और मुंह चढ़ा दिया थोबड़ा, जरा सा पिताने का और जरा यूं हो गए, नहीं नहीं, माता पिता कहते तो हमारी चंगी के चंगाई के लिए भलाई के लिए कहते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, जरा हिम्मत से उनको समझ के पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, साथ साथ में योग विद्या में भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट लेके बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अभी अच्छे बच्चे हो गए, कितने शानदार बच्चे हो गए, आए थे तो कितने चंचल थे और कितना परिवर्तन हो गया। तुमको याद शक्ति बढ़ाने की दूसरी बात एक सिखा दूं, लेकिन एक बीरबल की छोटी सी कथा। बीरबल 12 साल का बीरबल और मंत्री, फिर 18 साल की उम्र में बीरबल के पीछे सारे मंत्री मिलकर पड़ गए, लेकिन बीरबल ने सुना था मुस्कुरा के गम का जहर, जिंदगी के बोझ को, गुरु का ज्ञान था बीरबल में, तो बीरबल को हटाने के लिए सारे मंत्री एक हो गए, और जो अकबर की खास बेगम थी उसके भाई को भड़काया कि बेगम को बोलो कि बीरबल को निकालने के लिए राजा को कह दे, तो बेगम रोज बोलती थी कि बीरबल को निकाल दो, बीरबल को निकाल दो, अकबर बोलते इतना बुद्धिमान बीरबल को निकाल देंगे तो प्रजा उसके साथ हो जाएगी, मेरा तख्त चला जाएगा, तुम क्या बोलती, बीरबल का कोई कसूर तो बताओ, तो बेगम बोलती अपना बुरखा बुरखा खोल के, गहने बैंडे खोल के, बाल खोल के, खटिया ऊंधी करके बैठ गई, बोले मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, तुम बीरबल को कहो, कहो कि बेगम को मना क्या हो, वो तो मुझे हाथ तो नहीं लगा सकता है और मैं मानूंगी नहीं, रूठ के बैठ जाऊंगी, तो फिर आप बीरबल को निकाल देना, क्योंकि बेगम को लाने में सफल नहीं गया तो आपको मौका मिल जाएगा। अकबर ने कहा कि टेढ़ी खीर है लेकिन ये भी तू खा के देख ले। अकबर गया राज दरबार में, बीरबल को कहा बीरबल मेरी बेगम रूठ गई है, अब तू जरा उसको मना कर राज दरबार में हाजिर कर। बीरबल ने सोचा कि अपनी बेगम अपनी औरत रूठ गई और किसी के मर्द से बुलाने की बात, जरूर इसमें कोई चालबाजी है लेकिन मैं धीरज रखूं, बोले जहां अपना ठीक। बीरबल गए महल में, नौकरों से दासियों से सारी बात जान ली, फिर बीरबल जहां तिलक करते हैं वहां थोड़ा सा सारस्वती मंत्र जपा, आइडिया आ गई,
जब भी कोई प्रॉब्लम हो सारस्वती मंत्र पढ़ के यहाँ थोड़ा ध्यान करे तो आ जाता है। समझ गए ना बच्चे? जिन बच्चों को ऐसा अनुभव हुआ हाथ ऊपर करो, सारस्वती मंत्र लेने से ऐसा चमत्कारिक फायदा हुआ तो हाथ ऊपर करो। इन बच्चों ने सारस्वती मंत्र लिया और कोई प्रॉब्लम आता है बस यहाँ तिलक करके सारस्वती मंत्र मन में पढ़ के उसका उपाय खोज लेते, शाबाश। ठीक, बीरबल ने सब जान लिया और क्या करना वो उस बीरबल को आइडिया आ गई। बीरबल गए बेगम के पास, दास दासियों को बता के गए थे तुम ऐसा ऐसा करना, ऐसा बोलना। बेगम, बीरबल यहां खड़े हुए तो फिर बीरबल इधर आए, बेगम राजा साहब बुला रहे, इधर आए बीरबल, बेगम उसको तो रूठने का नाटक करना था। अकबर ने तो प्लानिंग कर रखी, बीरबल ने तो प्लानिंग की। इतने में दास और दासियां दौड़ते आए, बीरबल बीरबल अकबर ने बुलाया है आपको, वो अफगानिस्तान की शहजादी के साथ शादी का तुम ही सेटिंग कर सकते हो। अरे बोले वो तो बहुत अच्छी लड़की है, जितनी खूबसूरत है उतनी खूब बुद्धिमान भी है, और किसी को मंत्री को निकालने का भाई के कहने में चलने का या कठपुतली भी नहीं है, और उससे तो राजा का भला हो जाएगा, प्रजा का भी भला हो जाएगा। इस बेगम को तो ये तो लड़ाती झगड़ाती, चलो चलो मैं उन जहाँपनाह को उस शहजादी के साथ शादी करा देता हूँ, फिर ये देखती रह जाएगी। ओ बीरबल चले तो वो बेगम बोलती, बीरबल बीरबल कौन सी शहजादी, कौन से अफगानिस्तान की रान को लाओगे, फिर मेरा क्या होगा? बीरबल 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 आगे और ये पीछे, बीरबल भैया सुनो। बीरबल ने देखा ठीक निशाना लगाया, अब काय को सुनता हूँ। जैसे बकरी चारा देख के पीछे पीछे जाती, ऐसे ही वो बेगम अकबर के पीछे 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 पीछे, और लोग देख रहे हैं कि हद हो गई। जिसने कालिंग से पैर नीचे नहीं रखा, कारपेट से गलीचे से पैर नीचे नहीं रखा, नंगे पैर बीरबल के पीछे जा रही, बीरबल 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 सर मारा। बीरबल जाकर अकबर के पास खड़ा हो गया, इतने में रोती हुई आई कि मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, अफगानिस्तान की लड़की से तुम शादी करोगे तो मेरे को कौन? बोले कौन अफगानिस्तान की, क्या हुआ बीरबल, क्या बात है? बीरबल बोला कोई भी बात हो, आपने कहा था कि बेगम को लाके रख दो, यहाँ तो मैंने लाके रख दी। अकबर ने कहा कि रांड तू तो बोलती मैं रूठ के बैठूंगी, यूं करूंगी यूं करूंगी, बाल खोल के बैठूंगी, नहीं आऊंगी तो कैसे बकरी की नहीं पीछे पीछे आई? बोले अफगाने बीरबल क्या बात है, बोले जैसी इसकी चाल ऐसे मैंने सारस्वती मंत्र जपा तो फिर जैसे को तैसा और बम्मन को नाई जैसे को तैसा और बम्मन को नाई। महाराज बीरबल ने बाजी जीत ली और बेगम को डांट पड़ी। अकबर कहता है बीरबल का सारस्वती मंत्र तिलक करने की जगह पर ध्यान करता है, गुरु को प्रणाम करता है, माता पिता की आशीर्वाद पाया हुआ है, इसलिए बीरबल को जिंदगी भर कोई हटा नहीं सकता और कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि बीरबल के पास योग विद्या भी है, आत्म विद्या भी है। नानक को कोई दबा सकता है क्या? कबीर जी को कोई दबा सकता है? विवेकानंद को इतने सारे डॉक्टर कहीं दबा सके? अरे विवेकानंद ने कहा अमेरिका के डॉक्टर गधे हैं और वो डॉक्टर तालियां बजा रहे। रामतीर्थ भी गए विदेश में और विदेश के मिशनरियों वाले पादरियों को जेलसी हो गई थी रामतीर्थ के नाम पर, तो उनको भी डांट दिया, कुछ नहीं कर सके। तो आपका जीवन धन्य करो, मैं श्लोक बोलता हूं, बोलोगे बच्चे? बोलो तो बेटे। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। एक तो उद्यम होना चाहिए अच्छी बात जानने को, दूसरा साहस होना चाहिए दुख सुख को कुचलने को, तीसरा धैर्य होना चाहिए सोच विचार के काम करें।
चौथा बुद्धि का विकास होना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से, सारस्वती मंत्र करने से बुद्धि गजब की विकसित होती। पांचवा शक्ति होना चाहिए, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। और छठा पराक्रम होना चाहिए। हूण लोग पंजाब से, चंडीगढ़ से उस पार, कश्मीर के पहाड़ियों के उस पार से मगध में जाते और मगध के निवासी बिहारियों को लूटते थे। 14 साल का कुमार गुप्त का पुत्र स्कंद गुप्त अपने बाप को बोलता कि पिताजी मुझे सेना दीजिए और मैं जाकर पंजाब के उस पार की पहाड़ी खाइयों के पीछे पड़े हुए हूण डाकुओं को, आतंकवादियों को मारकर भगाऊंगा और वहां मगध का झंडा फहराऊंगा। बोले बेटा तू 14 साल का है, कैसे करेगा? बोले पिताजी शरीर की उम्र से आदमी बड़ा छोटा नहीं होता, सूझबूझ से हैं, समझ से छोटा बड़ा होता है। 5 साल का ध्रुव इतना महान हो गया, 15 साल के ज्ञानेश्वर इतने महान हो गए, 8 साल का रामी रामदास इतना महान हो गया गुरु मंत्र से। बेटा तेरी बात में दम लगता है, जाओ सेना कौर सेनापतियों को ले जाओ। कहां तो मगध बिहार, और कहां चलते चलते सेना यात्रा करते करते तुम्हारे पंजाब को लांग कर हूण प्रदेश में पहुंचे। रोज शाम को अपने सेनापतियों को, सैनिकों को बोलते थे, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, आतंक को कुचलो और सज्जनों की सेवा करो। भगवान तुम्हारे साथ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शिवा मेरे शिवा 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 प्यारे शिवा शिवा शिवा। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। शाम शाम मेरे शाम शाम ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। देख लो भगवान के नाम से स्कंद गुप्त ने ओम शांति शांत शाबाश। अभी कितने शांत हो गए, जल्दी अक्कल वाले हैं बच्चे, आए थे तो बहुत चंचल थे और अभी कितने नियंत्रित हो गए। अपने मन पर ब्रेक लगाने की ताकत कितनी बढ़ गई बच्चों को, बच्चियां भी कम नहीं है, कितनी तेजस्वी बच्चियां हैं। किसकी बेटियां हो? बापू की। तुम किसके बेटे हो?
हैं, मजबूत साहसी उद्यमी। 14 वर्ष का स्कंद गुप्त सेनापतियों को और सेना को साहसी उद्यमी धैर्यवान बुद्धि शक्ति और पराक्रम जो गुरु से सीखा था वो भरते भरते पंजाब को लांग कर जब हुण प्रदेश में गया, जवानों सेनापति एक एक सैनिक मेरा शेर है, एक शेर डजनों हाथियों को कुचल डालता है, ऐसे ही एक एक मगध का सिपाही डजनों डजनों इन आतंकवादी खूनों के ऊपर टूट पड़ो, वार अटैक 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 लगाम वार वार लगाम, देख साहस आगे बढ़ो हिम्मत, देख शाबाश सफल साहस आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, देख शाबाश है, मगध का शान तुम्हारे हाथ में है, थोड़ों को कुचलना तुम्हारा उद्देश्य, आतंक सामने लोहा लो शाबाश। धाम धाम देखते देखते मगध का वो 14 साल का स्कंद गुप्त विजयी हो गया और घोड़े सवार दौड़ाया। पिता को खबर पड़ी कि मेरे 14 वर्ष के बेटे ने गुरु से सारस्वती मंत्र लिया, उद्यमी साहसी पराक्रमी बना और मेरे मगध का झंडा फरकाया पंजाब के उस पार हुण प्रदेश में।